तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आपके सामने अनसॉल्व 2022 का एक सेट मैं लेके आया हूँ। सेट नंबर ई और जी है। आप चाहे तो इसको गूगल पर सर्च कर लीजिए। ये पिछले बार आपका ये सेट रहा है और मैं आज आपको स्पेशली सारे टीचर सब कुछ बता रहे हैं लेकिन मेरे बच्चों के ग्रामर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा और वो मैं आपके लिए आ चुका हूँ। आज मैं स्पेशली सेक्शन सी जो है वो ग्रामर का जो 25 नंबर का आपका बनता है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप देख लीजिए आपके सामने सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं। हम लोग इसको 1x1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको पूरा 1x1 सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि वोकैबुलरी जो सेक्शन सी है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चे उसमें वोकैबुलरी होता है, उसमें नरेशन होता है, उसमें सिंथेसिस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और ट्रांसलेशन। ये टोटल टॉपिक मिलाकर आपका 25 नंबर का होता है। तो ये जो सेम टू सेम लिखा हुआ है ना, ये जो सेम टू सेम, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि यही पेपर ना कल की डेट में आपके सामने आए या इसी के जैसा ना आए तो मुझे बताइएगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने जा रहे हम लोग। ये सब आपने पढ़ा हुआ है और अगर पढ़ा हुआ है तो उसको आज दिखाने का मौका है कि हमने साल भर क्या पढ़ाई की, क्या तैयारी की। और आज चलिए उसको दिखा देते हैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करके। तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, आपके मतलब का है, जरूर देखिए। प्लीज दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए जिससे आपके छोटे भाई बहन उन्हें भी मौका मिले आगे पढ़ने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट नंबर ई और जी आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, 2022 का है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 से आपके ग्रामर वाले पार्ट की शुरुआत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से ग्रामर वाले पार्ट की शुरुआत हो जाएगी और यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है आएगा क्या कि चौथे का ए कि द कंट्री रूल्ड बाय द किंग। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरू होगा। किससे शुरू होगा बच्चे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरू होगा। और आप तुरंत इसका जरूर मुझे क्या देते रहे, आंसर देते रहे जल्दी जल्दी। मैं आपके क्वेश्चन को, मैं आपके जो आंसर आप कमेंट करके दे रहे हैं उसे मैं देख रहा हूं, बिल्कुल, ठीक है। तो द कंट्री रूल्ड बाय द किंग, एक राजा के द्वारा जब किसी रूल, किसी कंट्री पर रूल किया जाता है, राज्य किया जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है या मोनार्की कहा जाता है या मैट्रियार्की कहा जाता है या ओलिगार्की कहा जाता है। जल्दी से आप तुरंत कमेंट देख रहा हूं मैं आपके, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए मुझे कि क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आप देखिए सीधी सी बात है कि भाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब तो होता है लोकतंत्र, यानी ये नहीं होगा। लेकिन आप फंसेंगे, आप इनमें फंसेंगे जरूर। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आज निकालिए अपना वन वर्ड वाला और उसको पूरा पढ़ डालिए क्योंकि पेपर का पैटर्न ऐसा ही होगा, इसके बाहर का नहीं होगा। तो देखिए मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र, यानी आपका ये आंसर सही होना चाहिए। जबकि मैट्रियार्की क्या होता है, जहां पर जो देश स्त्री प्रधान होता है या जहां पर महिलाएं शासक होती हैं उसे हम मैट्रियार्की कहते हैं। और ओलिगार्की किसे कहते हैं, जो धनी तंत्र होता है, यानी पैसे के बल पर जिस देश की जनता चलाई जाती है उसे हम उसे कहते हैं ओलिगार्की। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो आप समझ चुके होंगे, आपका ऑप्शन होना चाहिए बी, यानी सही वाला कौन सा है आपका, ये आपका बी वाला सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है द फ्रेज। अब यहां पर हमें क्या बताना है, फ्रेज के बारे में बताना, यानी idioms और phrase। देखिए ये सब 2 नंबर के हैं, ये 2 नंबर का है आपका, ये वाला भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, सब 2-2 नंबर के हैं। टोटल 25 नंबर का सेक्शन सी से पूछा जाएगा, ठीक है। द फ्रेज है, अब फ्रेज हमारा क्या है, आई स्ट्रेच। आई स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो स्लोली होता है क्या, धीरे धीरे होता है, कॉन्टिन्यूसली लगातार होना, वेरी फास्ट बहुत जल्दी होना, रैपिडली हद से ज्यादा तेज होना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं आपको आंसर बदल के बता रहा हूं लेकिन आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपके कमेंट को भी अभी देख रहा हूं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली, जब कोई चीज लगातार हो यानी बिना रुके होती हो, ठीक है। वेरी फास्ट में बहुत फास्ट जाएंगे लेकिन रुकेंगे, ठीक है। रैपिडली में भी बहुत तेज जाएंगे लेकिन रुकेंगे, जबकि जबकि कॉन्टिन्यूअसली क्या होता है, कोई काम जो रुक ही नहीं सकता वो लगातार हो रहा हो,
रुकने की कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, अगला देखते हैं लाउडेबल। यहां पर ये भी दो नंबर का होगा, लाउडेबल का सिनोनिम्स पूछ रहा है। यहां पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट किया, बाकी इसका क्वेश्चन बनता है कि द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल। ठीक है, लाउडेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें आवाज हो, आवाज करने योग्य हो या बहुत तेज आवाज वाला हो, इस वर्ड को क्या कहते हैं। तो देखिए सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि देखिए डिसेबल तो होगा नहीं। आपको ढूंढने का तरीका भी बता देता हूं, क्योंकि चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन गलत होते, एक ही सही होता है। हम लोग हमेशा सही वाले ऑप्शन के पीछे भागते हैं, जबकि हमें भागना किसके पीछे होता है, गलत वाले, जो गलत है उनको पहले गलत करिए ना। जैसे डिसेबल है पूरी तरह से गलत जाने दीजिए, लायबल है पूरी तरह से गलत जाने दीजिए। अब एबल या प्रेजवर्दी में से दो में से एक होगा, तो भैया लेबल भी नहीं है। प्रेजवर्दी का मतलब होता है बहुत आवाज करने वाला, तो प्रेजवर्दी यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए बच्चे, चलिए आगे बढ़िए और अपनी बेहतरीन से प्रैक्टिस को कल अंजाम देना है हमें, कल हमें अंतिम प्रहार करना है। ठीक है, अगला है कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। ठीक है, और यहां पर आपको एरर फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है कि इस पूरे सेंटेंस में कहां पर एरर है। अब बहुत कुछ पैटर्न बदल चुका है भैया, अब पैटर्न बहुत कुछ बदल चुका है, पहले जैसा पैटर्न अब नहीं रहा। ठीक है, तो वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, इस पूरे सेंटेंस में गलती कहां है। मैंने आपको कई बार सिंटैक्स में भी बताया, कई बार रूल्स भी पढ़ाए कि वन के साथ उसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो वंस होता है, कभी भी हिज नहीं होता। यानी हिज नहीं होगा, होना क्या चाहिए, वंस। तो यहां पर ये हिज वाला ऑप्शन गलत है, आपको टिक करना है यहां पर और आगे बढ़ जाना है। इसका मतलब है कि हिज की जगह क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। मतलब ये यहां पर हिज गलत होगा, क्योंकि वन लिखा है, वन लिखा है, इसलिए वंस होता है। ठीक है, अक्सर बार बार हर बार ये पूछा जा रहा है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम्स ऑफ स्टेल, स्टेल का एंटोनिम्स बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट को आपकी स्क्रीन पे पढ़ रहा हूं, जल्दी से कमेंट पढ़िए, क्योंकि मैं मोबाइल से लाइव हूं, कोई और जगह से लाइव नहीं हूं, तो जल्दी जल्दी पढ़िए। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि एंटोनिम्स ऑफ स्टेबल, स्टेबल यानी स्टेबल का मतलब, देखिए होता क्या है कि कभी कभी हम लोग परेशान होते हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके मतलब हमें पता नहीं होते, उनकी हिंदी नहीं पता होती, और अभी हिंदी बता दूंगा ना तो आधे से ज्यादा मेरा बच्चा एकदम टॉप कर जाएगा इस टॉपिक। बता दो हिंदी, चलिए हिंदी बता देता हूं। स्टेल मीन्स होता है बच्चे बासी, क्या होता है ये, बासी नहीं होगा यहां पर, थोड़ा सा बासी। ठीक है, बासी, सी 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 यहां पर बासी। ठीक है, बासी होता है स्टेल, स्टेल स्टेल का मतलब होता है बासी। अब इसमें से हमें क्या ढूंढना है, ताजा ढूंढना है, एंटोनिम्स पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है। ये भी भैया दो नंबर का है, ये भी आपका दो नंबर का है, लिख नंबर लिखते चल रहा हूं। देखिए फ्लैश तो बासी का होता नहीं, ताजे का होता नहीं, फ्लश भी ताजे का होता नहीं, लेकिन फ्रेश पूरी तरह से, स्टेल का उल्टा फ्रेश होता है, ताजा। ठीक है, फेक भी नहीं होगा, ये जाने दीजिए, ये भी आपके दो नंबर का, ये वाला भी आपका दो नंबर है, और क्वेश्चन नंबर पांच यहां से शुरू होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में आपको पांच तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई तक आया। ठीक है, ये देखिए ई दिख रहा है, ई तक आया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव की जो शुरुआत होगी उसमें भी पांच क्वेश्चन होंगे, यानी दस क्वेश्चन, और दस दुनी बीस होता है, हर क्वेश्चन दो नंबर का है। ठीक है, अब आइए यहां पर लिखा है वन चेंज एनी वन डायरेक्ट स्पीच। यहां पर क्वेश्चन कुछ था, लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट किया जिससे हमारा और आपका समय बचे। यानी हमें डायरेक्ट स्पीच एक दो सेंटेंस दिए जाएंगे और दो में से एक करना होगा, डायरेक्ट स्पीच के दो सेंटेंस दिए जाएंगे, दो में से एक करना होगा। यहां पर वन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं वन ही करना है, एक ही करना है, एक से ज्यादा नहीं करना। अब यहां पर चलिए आइए कि यू सेड टू हिम आर यू अ फूल, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा, यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क जो है कॉमा, इनवर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब यहां पर अगर इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, बनाते हैं कि यू सेड या सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा भैया, आस्क्ड, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, यू आस्क्ड, उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आ जाएगा इफ, कमेंट करते रहिए। अब हमें सबसे पहले आर को नहीं चेंज करना होता, बहुत पढ़ाया आपने बेटा, बहुत, आप बहुत विद्वान हो, अपनी शक्ति पर अपनी क्षमता पर बिल्कुल शक मत करना, आपको पता है यू की चेंजिंग हिम से करेंगे ही हो जाएगा, आर का वॉज हो जाएगा,
ए और फूल का फूल ही रह जाएगा, ये आपका दो नंबर एक या तो ये कर लीजिए, ये दो नंबर मिल जाएगा, या तो लास्ट वाले में आइए, लास्ट वाले में थोड़ा सा आते हैं आगे, चलो चलो थोड़ा सा जगह हमने बना ली कि द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। ठीक है, देखिएगा यहां पर गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस हमारा क्या कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस का है, रिक्वेस्टेड ऑर्डर एडवाइस लगाना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चे, उन्हें कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए इसमें देखिए जैसे इसका बनेगा क्या कि द टीचर गो अवे एट वंस, यानी यहां से तुरंत एक ही बार में चले जाओ, यहां से निकल जाओ, यहां से चले जाओ, इसका मतलब है कि टीचर ने ऑर्डर किया है, और जब टीचर ने ऑर्डर किया तो द टीचर ऑर्डर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर यहां हम टू का प्रयोग करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में हम क्या यूज करते हैं बच्चे, इफ का यूज करते हैं, और इंपरेटिव में टू का, बाकी पूरा लिख दीजिए गो अवे एट वंस। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, फिर से एक बार समझाता हूं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें सेड या सेड टू की जगह पर क्या रखा जाता है, आस्पेक्ट रखा जाता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या रखा जाता है, इफ रखा जाता है। इंट्रो के इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा सेड या सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड ऑर्डर एडवाइस, तीनों चारों में से एक जो सेंटेंस का सेंस कहता है, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर हम टू का प्रयोग करते हैं, ये भी हमें पता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, इसमें से भी आपको दो नंबर पक्का मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। आगे ये पांचवे का बी, देखिए मैं यहां पर लिख भी रहा हूं कि पांचवे का ये बी है। ठीक है, याद करिए, याद ध्यान दीजिएगा, पांचवे के बी में क्या कहा जा रहा है, चेंज एनी वन, देखिए मैं लिख रहा हूं जहां पर वन एक ही करना है आपको, आपको जितने भी ग्रामर के सेक्शन सी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे जो है एक ऑप्शन के साथ होंगे, यानी दो होंगे, दो में से एक करना होगा, यही ऑप्शन आपके सामने होगा। ठीक है, तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जैसा आपको कहा जाएगा उस हिसाब से आपको चेंज करना है, बात समझ में आ रही, जैसा आपको कहा जाएगा उस हिसाब से आपको चेंज करना है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, आप इसको ये भी कह दीजिए कि जैसे कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम देखते हैं तो हमें पता हो जाता है कि भैया ये दोनों सेंटेंस हमारे कौन से हैं, सिंथेसिस के होने जा रहे हैं, और भैया सिंथेसिस से भी आपका कितने नंबर का आएगा, दो नंबर का आएगा, दो नंबर का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है कि सीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। देखिए इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके बुक में आ जाए, आपके पेपर में कल आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, अक्सर इस चीज को सुना भी है कि हम लोग जो एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं उनमें से जरूर फंस जाता है, बाकी साल भर जो हमने पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमने एक दिन पहले पढ़ा है, एक रात पहले पढ़ा है, वो अक्सर फंस जाता है, ये मैंने देखा है। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि कंपाउंड में भी आपने एडवर्सिव पढ़ा, इलेटिव पढ़ा, कुमुलेटिव पढ़ा, अल्टरनेटिव पढ़ा, उसमें तो सर ने ऐसी कोई बात ही नहीं बताई, तो भैया मेरे मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जो आपको घुमाने के लिए आएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, यहां पर आपको सेंटेंस का सेंस निकालना है कि भैया सक्सेस कब होगे, जब आप मेहनत करोगे। इस तरह के सेंटेंस को आप चाहे तो याद ही रख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। कैसे करेंगे कि इफ, ठीक है, इफ यू थोड़ा सा यहां पर देखते हैं, ठीक है, इफ यहां पर सी हो जाएगा, इफ सी वॉन्ट टू सक्सीड, ठीक है, इफ सी वॉन्ट टू सक्सीड कॉमा कर दीजिए, सी मस्ट वर्क हार्ड, ये होता है सी मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, सी मस्ट वर्क हार्ड, ये हो गया हमारा कौन सा, इसका, ये यहां पर इसका मैंने आंसर लिख दिया कि सीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, तो इसका जो आंसर बनेगा, आंसर क्या है कि सीला, इफ सी वॉन्ट टू सक्सीड, अगर वो सफलता पाना चाहती है उसे मेहनत करनी होगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला है वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, तो हम खाते क्यों हैं, ताकि जी सके,
थोड़ा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हमें मिलाना होता है। देखिए अब यहाँ पर ये होगा, मुझे गाली देना शुरू करेंगे कि तब तो पूरे साल भर का बताया नियम बताया नियम बताया। तो भाई मेरे इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, आपको बहुत काम देने वाला है। वी नीड टू लिव, इसका क्या होगा, इसका विषय देख लीजिए कि वी ईट, यहां पर होगा वी ईट सो दैट वी कैन लिव, ये होगा। हम खाते हैं ताकि जी सके, ठीक है। अब ये थोड़ा अलग है, थोड़ा इनका लीग ही अलग है, लेकिन मैं ये कहता हूं ना कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें सब कुछ पढ़ना है, हमें सब कुछ जानना है, हम छोड़ नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसमें मेहनत करना जरूरी है, और आप मेहनती है मुझे पता है, आप इसको याद रखेंगे, इसको रख लीजिए। क्या ये दो सेंटेंस आपको याद नहीं होंगे, याद हो जाएंगे भाई, मुझे भरोसा है आपका। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा और, ठीक है, ये आपने याद कर लीजिए। अगला हमारा देखिए क्या है, पांचवे का सी कि चेंज एनी वन एज डायरेक्टेड, यानी आपको अब फिर से कुछ चेंज करना है जैसा कि बताया गया है। अब यहां लिखा है स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, स्विच ऑफ द फैन, तो इसको जरा हम लोग करते हैं स्विच ऑफ द फैन वाले सेंटेंस को, स्विच ऑफ द फैन तो क्या बन जाएंगे, ठीक है। इसको पैसिव वाइज में चेंज करना था, आपने देखा था ये सब भी दो नंबर के हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले, तो द फैन यहां पर क्या बनेगा, द फैन, सॉरी लेट द फैन होना चाहिए, कि लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, आपने यही पढ़ा है ना, कौन सा पढ़ा है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो बताया है ना भैया। और देखिए स्विच आपका क्या है, वर्ब की फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से ये ऐसे बनेगा, ठीक है, इस वजह से ये ऐसे बनेगा। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है कि एवरी रोज हैज थॉर्न, निगेटिव में बनाना है क्योंकि मैंने कहा ना कि इससे भी आपको दो नंबर मिलेगा, एवरी रोज हैज थॉर्न, ठीक है, यहां पर एवरी रोज हैज थॉर्न वाला है। अब देखिए इसमें आते हैं, एवरी रोज हैज थॉर्न, ठीक है, एवरी रोज हैज थॉर्न, यानी हर गुलाब में कांटे होते, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि नॉट, ठीक है, क्या बनाएंगे कि नॉट एवरी रोज हैज थॉर्न, ठीक है। अब ये कुछ अलग है, ये कुछ सेंटेंस ही हमारे अलग है, इसलिए थोड़ा सा नहीं याद रखने की जरूरत है, इसको याद नहीं रखना क्योंकि ये तो आपने रूल पढ़ा है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ऐसे सेंटेंस जो निगेटिव में पूछे जाएंगे ना, ये आपको परेशान करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा पहले से सजग रह जाइए, थोड़ा तैयारी बना लीजिए, ठीक है। आगे आते हैं, करेक्ट एनी वन, ये आपका सिंटैक्स चैप्टर से दिया जा रहा है, ठीक है, और ये भी आपका दो नंबर का होगा, ठीक। आगे बढ़ते थोड़ा इसमें कि फाइव शीप्स आर ग्रेजिंग, आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, मैंने कई वीडियो बनाए हैं इस पर कि भैया जब भी आपके सामने नाउन, मतलब आप सिंटैक्स पढ़ रहे हो तो नाउन जरूर पढ़ना, सिंटैक्स पढ़ रहे हो तो नाउन हर हाल में पढ़ना, और अगर किसी ने नाउन पढ़ा होगा तो उसको ये पता है कि सीप डियर और स्वाइन तीन ऐसे शब्द हैं जिनमें कभी भी हम एस लगाकर उन्हें प्लूरल नहीं बनाते, वो सिमिलर में भी ऐसे ही रहते हैं, प्लूरल में भी ऐसे ही रहते हैं। कौन कौन से वर्ड है, सीप डियर और स्वाइन, ये तीन वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, इनको इसमें इनमें एस लगाकर आपसे पूछा जाएगा लेकिन भटकना नहीं है। His spectacle is new. अब उसके चश्मे की बात हो रही, ये भी नाउन नंबर का है, और आपको पता है कि जब मैंने बताया था कि कोई चीज जब पेयर में होती है तो वो हमेशा प्लूरल में होती है, स्पेक्टिकल्स होना चाहिए और इस की जगह पर आर होना चाहिए, आर न्यू हो जाएगा, ठीक है, ये होता है असली मजा पूरे ग्रामर का, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, आइए होमोफोन्स की बात करते हैं, होमोफोन्स एनी वन इसमें से भी करना है। अब यहां बॉर्न और बॉर्न, ठीक है, मैं इसे नहीं बताने वाला, आप कमेंट, एक बॉर्न का मतलब मैं बता देता हूं जन्म होता है, दूसरे बॉर्न का मतलब आप ही बताएंगे क्योंकि आप जानो,
लेकिन हाँ मैं कमेंट देखूंगा, कमेंट में देखा मैंने, अगर आपका सही है तो मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा, जवाब दूंगा। आप मैसेज करिए, कॉल करिए, नंबर गिवन है, सब कुछ कर सकते हैं इसके लिए। बाकी मैं इधर बताए देता हूं, एक चेक का मतलब क्या होता है, जो हम लोग चेकिंग लगाते हैं है ना, या चेक करते हैं कोई चीज, जैसे ही हैज चेक्ड माई कॉपी। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए कि ही हैज चेक्ड, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, परेशान नहीं होना, जरूरी नहीं कि चेक शब्द ही आए, चेक्ड लिखना है। ठीक है, और ये वाला चेक कौन सा है, पैसे वाला। ठीक है, ही हैज गिवन मनी बाई चेक। ठीक है, दोनों आपके सामने है। अब आपके सामने आता है पांच नंबर का एक क्वेश्चन जिसका नाम है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये वाला कई तरह से, कई बार से पूछा जा रहा है, कई बार मैंने इसको देखा, इसलिए मैंने इसको ये इस सेट में था नहीं, इस सेट में बड़ा इजी था कि प्रयागराज एक प्रसिद्ध संगम की नगरी है, बड़ा इजी था, लेकिन मैंने आज जानबूझकर इसको रखा है, क्योंकि देखिए आपके सामने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वही वाले आएंगे जो सोशली टॉपिक होते हैं, सोशली, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, या हमें पालतू और मूक की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए। अब आपको एक चीज इसमें एक ट्रिक बता देता हूं मैं, आप समझ लीजिए, ट्रिक ये है कि सब में लिखा है चाहिए, यानी आप थोड़ा सा मॉडल ऑक्सिलरी पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी पर भी ध्यान दीजिए, बाकी कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, देखिए जैसे संघर्ष है तो इसका स्ट्रगल होना चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक ट्रिक बता देता हूं, परेशान मत हो, ध्यान दो क्या है, संघर्ष की स्पेलिंग नहीं आती ना, ये हो गया संघर्ष, SANGHARSH, जब भी ना आए छोड़ना मत, लीव मत करना, गिव अप मत करना, छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, नहीं आ रहा ना, पूरे सेंटेंस को साले को इंग्लिश वाली लैंग्वेज, जैसे हम लोग ने व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं ना हिंदी, मतलब कहा हो, अगर लिखा होता है ऐसे लिखा होता है कहा हो, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कहा हो मर गए क्या ये लिखते हैं, आपको नहीं आने की कंडीशन में, जब आपको लगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं आ रहा है, मैं परेशान हो गया हूं, तो एक काम करना, ना छोड़ना, ना परेशान होना, जितना सेंटेंस, अब मैं आपको आइए बताता हूं, ये सब है ना, हमें पालतू कैसे लिखोगे, हमें पालतू, भैया मैं कहता हूं दो नंबर मिलेगा ना, पांच में से दो नंबर मिल गया बहुत है, क्योंकि आप छोड़कर जाने वाले थे उस समय आपको जीरो मिलता। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सेक्शन सी कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, पूरी तरह से इसको पढ़ के जाना, मेरी पूरी दुआएं आपके साथ है, पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, और आप अपने बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ जाइए, कल फिर से एक बार लाइव में मिलूंगा जरूर आपके एग्जाम देने जाने से पहले। क्रैश के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और बहुत प्यार दिया आपने, इतना प्यार दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है, और अब मैं आपको बता देता हूं एक और बेहतरीन सी आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन, एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा, मैं आपके सामने NDA, एयरफोर्स, SSC, इन सभी की इंग्लिश लेके आ जाऊंगा आपके सामने, फिर प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज डू शेयर, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, जैसे आपने पूरे साल मुझे सपोर्ट किया उसी तरह आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत मुझे आगे चल के भी रहेगी। अपने भाई बहनों को भी बताइए चैनल के बारे में, हमारे बारे में बताइए कि हमने आपके लिए क्या किया और किस तरह से आपको पढ़ाया, ये सारी चीजें, आपका प्यार बहुत है मेरे लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन, सो मच थैंक यू, और प्लीज 100 में से ना, ये 100 में से 100 चाहिए, 99 में नहीं चाहिए, 100 में से 100 चाहिए, सीधी बात, नो बकवास भाई, 100 में से 100 चाहिए।